घर के कामों को करते करते पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ये तब होता है जब हम सारे काम बिना किसी प्लान के साथ निपटाने के चक्कर में लग जाते हैं। छोटे छोटे कई काम ऐसे होते हैं जिनको हम पूरा दिन करते हुए पेंडिंग नहीं कर सकते, तो अगर सब काम कुछ प्लान के साथ मैनेज कर लिए जाएं तो काम भी निपट जाएंगे और आप भी स्ट्रेस फ्री होकर दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे, जिसके लिए आज मैं आपसे 10 गोल्डन रूल्स शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप अपने काम टाइमली भी निपटा पाएंगे और रेस्ट भी कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। कोई भी काम अनप्लान्ड और ब्लाइंडली किया जाए ना, तो काम ना तो ठीक तरह से हो पाएगा और ना ही हम उसको ड्यू टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, चाहे वो हमारी डीप क्लीनिंग हो, मंथली, वीकली या फिर डेली क्लीनिंग। इसके लिए प्लान करके काम करें। इस तरह जो काम आपको ज़्यादा करना अच्छा लगता है, लाइक डेली क्लीनिंग में, मंथली में, वीकली में या फिर ईद वगैरह के टाइम पर हम जो डीप क्लीनिंग करते हैं, जिस काम को करते हुए आप कंफर्टेबल हैं ना, उसको अकॉर्डिंगली स्केड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक उसको फॉलो भी करें। जैसे हमारी डेली क्लीनिंग तो होती है मॉपिंग, डस्टिंग वगैरह, जैसे वीकली क्लीनिंग में हमारे मीडिया रैक की क्लीनिंग करना, घर के दरवाजे ले लें, वो एक एक दो दो करके हर वीक में साफ करते जाना, क्योंकि सारे दरवाजे तो एट अ टाइम साफ करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा वीकली आप अपनी जितनी भी इंडोर प्लांट्स हैं उनके पानी चेंज कर दें या गमलों की गोडी कर दें, इस तरह के काम कर लें। लेकिन जो हमारी डेली क्लीनिंग होती है उसमें हमारी मॉपिंग जो है वो मस्ट होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि डस्ट वगैरह इतनी एक्युमुलेट हो जाती है, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। हमारे जो बर्तन होते हैं डेली बेसिस पर दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा हमें साफ करने पड़ रहे होते हैं, और इसके अलावा चीज़ों पर डस्ट पड़ने की वजह से ना, डस्टिंग भी हमारी मस्ट डू एक हमारा काम होता है जो हमें डेली बेसिस पर करना होता है। तो आप ये देखें कि डेली के काम तो आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे मंथली और वीकली बेसिस पर जो काम होते हैं वो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेली क्लीनिंग एक रूल के अकॉर्डिंग करें, लाइक मोपिंग या झाड़ू लगाना सबसे पहले, फिर डस्टिंग कर ले, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है तो फिर एंड पर पोछा या मोपिंग करें। अब डेली होने वाले काम जैसे झाड़ू, पोछा, लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग, डस्टिंग, ये वो काम है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अपनी तबीयत और मूड के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। मतलब किसी दिन ज़्यादा यूज़ में ना होने वाले रूम्स जैसे ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम को किसी दिन भी ना क्लीन किया जाए तो चल जाएगा, बट बेडरूम, किचन, वॉशरूम, लिविंग, इनको ज़रूर साफ़ कर लें ताकि घर के अपेरेंट लुक क्लीन लगे, और अगर कोई अचानक आ जाए तो हमें एम्बेरेसमेंट ना हो और घर साफ नज़र आए। मोर ओवर, अगर हम डेली क्लीनिंग डेडिकेटेडली करेंगे ना, तो डीप क्लीनिंग के लिए ज़्यादा हमारी एफर्ट भी नहीं लगेगी और ज़्यादा जल्दी ड्यू भी नहीं होगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग इज़ अ टाइम एंड एनर्जी गेनिंग प्रोसेस। आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लीनिंग टूल अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी होम क्लीनिंग बहुत एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। जैसे ये वाइपर है, इसके साथ एक डिफ्यूज़र भी लगा हुआ है, तो क्लीनर इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। ये क्लीनर DIY किया हुआ है मैंने, टूथपेस्ट डाल के, सिंपल, तो चार हिस्से पानी और एक हिस्सा टूथपेस्ट डालकर उसको मिक्स कर लिया हुआ है, और इस डिफ्यूज़र के अंदर डाल करना, इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने मिरर की क्लीनिंग के लिए। घर में जितने भी मिरर्स लगे होते हैं, वॉशरूम में, लिविंग एरिया में, जहाँ पर भी ड्रेसिंग का एरिया, तो वहाँ बस इसको डिफ्यूज़र की हेल्प से ना मैं इसका DIY क्लीनर इसके ऊपर डाल लेती हूँ, स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद वाइप कर लेती हूँ, तो एट अ टाइम ना दोनों काम ये कर लेता है। उसके अलावा ये बाज़ार से माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इनको बहुत सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, क्लीनिंग भी बहुत एफिशिएंटली कर रहे होते हैं, तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं अपने जब भी बर्तन धोएं जैसे, तो उनको साफ़ करके, क्लीन करके, जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तब हम उनको डेडिकेटेड इस पर रखते हैं। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी बहुत एफिशिएंट काम कर रहे होते हैं अगर हम इनको बाज़ार से बाय करें, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, चीज़ें ऑलवेज बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये एक प्लेस मैट है मेरे पास पड़ा हुआ, कॉटन का मटेरियल और ऊपर इसके जैकार्ड टाइप ना बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट सा मटेरियल था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ऑलवेज ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ आप बाज़ार से ही बाय करें तो आपकी क्लीनिंग एफिशिएंटली हो रही होती है, सो स्मार्टली प्ले करें और घर से ही चीज़ निकाल कर यूज़ करें। और जो भी क्लीनिंग टूल घर में पड़े हो ना, उनको भी उनकी डेडिकेटेड जगह पर यूज़ करें। जैसे ये कालीन साफ़ करने के लिए मैं बांसी झाड़ू और जो फ्लोर साफ़ करने के लिए इस तरह का प्लास्टिक का झाड़ू यूज़ करती हूँ।
जी, तो सही टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स को भी फॉलो करना मस्ट है। इससे भी आप अपने काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। जैसे अगर आपने मॉपिंग या पोछा लगाना है तो आप डस्टिंग पहले कर लें, स्पेशली जब आपने ऐसे एरियाज जैसे पंखे वगैरह साफ करने हैं जिनसे डस्ट फ्लोर पर गिरने के चांसेस होते हैं, तो मॉपिंग से पहले ये काम कर लें ताकि आपके पंखे साफ करने से जो गंद नीचे गिरेगा उसकी वजह से आपको दोबारा से क्लीनिंग ना करनी पड़े। और साथ साथ कर्टेन एरिया को भी साफ करें, छोटे छोटे स्पाइडर वेब्स भी लगते रहते हैं और ये झाड़ू जो मासी झाड़ू होता है ये काम बहुत एफिशिएंटली कर पाता है, जिसके लिए हमें स्पेशल कोई टूल्स भी नहीं जरूरत होती। और साथ साथ ही हमारी ये चीज़ें जिनको हमने इग्नोर किया होता है साफ होती रहती हैं। पोछा अगर आप बैठकर लगा लेते हैं या हेल्पर लगा लेती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इस तरह से सिंपल कोई भी टॉवल लेकर ना उसको वाइपर के ऊपर लगा लें और अपनी एफिशिएंटली मॉपिंग कर लें। घर के छोटे मोटे रिपेयरिंग और क्लीनिंग के काम तो निकलते ही रहते हैं, तो एक सुपर वुमन बनकर हर काम में हाथ ना डालें। घड़ी का सेल चेंज कर लेना या फ्यूज बल्ब को चेंज कर लेने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली का कोई स्विच बोर्ड्स का कोई काम निकल आता है तो इसके लिए घर के जेंट्स या फिर कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेना ही आपके लिए बेहतर होगा, ना कि आप उस स्विच बोर्ड को खुद खोलना शुरू कर दें, ब्लिंकिंग हो और आपको करंट भी पड़े और किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप नो हाउ रखने वाले घर के जेंट्स की मदद ले लें या फिर इलेक्ट्रिशियन को हायर कर लें। अब आप प्लांट्स की गोडी भी कर ले सकती हैं, आप प्लांट को वाटरिंग भी कर सकती हैं, छोटे मोटे ये वाले जो काम होते हैं ना प्लांट्स की केयर के वो तो आप कर सकती हैं आराम से घर में विदाउट एनी हेल्प, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो आपके बस के नहीं होते। अब आप प्लांट पॉट भी साफ करके उसका पानी भी चेंज कर लेती हैं और उसको एफिशिएंटली प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में जो हेल्प कर रहा होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि डीप क्लीनिंग की वजह से ना हमें मूविंग भी करानी होती है, तो उसके लिए स्पेशली प्रोफेशनल्स को हायर करना अलॉन्ग विद देयर इक्विपमेंट्स तभी बेहतर है। हस्बैंड हो या बच्चे, घर के कई कामों में हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता, जैसे बच्चों के लिए शेक या लस्सी बनाने में मेरे हस्बैंड ही मेरी हेल्प कर रहे होते हैं। घर तभी साफ रहेगा जब घर की नीड्स और स्पेस के अकॉर्डिंग सामान होगा। अननेसेसरी आइटम्स रखने से क्लीनिंग में टाइम भी लगेगा और पुराना सामान हटाए बिना नया सामान ले आएंगे तो जगह और क्लीनिंग की प्रॉब्लम का सामना तो करना मस्ट है। सो डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो सामान ज़रूरत का नहीं उसे वेस्ट या डोनेट कर दें, जैसे आपकी बुक्स हों बच्चों की, टाइम टू टाइम उनको डीक्लटर करते रहें। कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने पहनने नहीं होते, हमारे साइज़ के नहीं रहते या पुराने हो जाते हैं, तो डोनेट करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा घर में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिसिंस होती हैं, शूज़ होते हैं बच्चों के आपके, तो उनको भी टाइम टू टाइम देखते रहें। कभी कभी शूज़ एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे ये देखें, ये बहुत अच्छा मेरा इंपोर्टेड शू था लेकिन एक्सपायर हो गया। और उसके अलावा कुछ हमारे शूज़ ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ ना उनके ऊपर जितनी भी एक्सेसरीज लगी होती है ना, कोई नग वगैरह लगे होते हैं जो उनकी अटैचमेंट्स होती हैं, वो मिसप्लेस हो जाती हैं तो डी शेप हो जाते हैं, तो इससे बेहतर उनको हम किसी को डोनेट कर दें या ऐसे जो बिल्कुल जूते ख़राब हो जाएं उनको हम वेस्ट कर दें। अब आपका घर छोटा है या बड़ा, एक ही दिन में सारा घर अकेले साफ़ कर लेना पॉसिबल नहीं होता। हेल्पर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ज़रूरी काम को प्रायोरिटाइज़ करते हुए पहले कर लें। लाइक मैंने अगर कंफर्टर्स वॉश करने हैं ना तो सारे कंफर्टर्स एक ही दिन में नहीं वॉश करने बैठ जाती, एक या दो कंफर्टर्स को हर लॉन्ड्री टर्न के साथ वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरा काम ईजी रहे। इसके अलावा जिस दिन लॉन्ड्री करती हूँ ज़रूरी नहीं कि उसी दिन कपड़े भी प्रेस हो जाएँ और साथ ही हैंग भी हो जाएँ, क्योंकि ये काम मैनेज करना सारा, वॉशिंग भी और उसके बाद उनकी ड्राइंग होना, फिर उनको आयरन करना और उनको हैंग करना, ये एक लंबा प्रोसेस है, तो डिवाइड करके करें, एक ही दिन में ये सारे काम ना करें। तो बेहतर यही है कि आप जो वॉश किए हुए कपड़े हैं ना उनको सिंपल जब वो ड्राई हो जाएं तो तय लगा कर रखते जाएं, तो इस तरह ये होगा कि किसी दिन अगले दिन या उससे अगले दिन जब भी टाइम हो तो आप उनको प्रेस कर सकते हैं, तो अपने ऊपर बर्डन ना रखें और इनको जाकर लॉन्ड्री बैग में रख दें तो नज़र भी नहीं आएंगे और हमारा काम भी बाद में हो जाएगा। घर में चीज़ें रखने के लिए अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो बहुत अच्छा है, हम नई चीज़ें ख़रीद भी लें और यूज़ भी कर लें कि जगह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम किसी छोटे घर में या रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो कोशिश करें कि पहले से मौजूद चीज़ों पर नज़र डालें और उनको यूज़ में ले आएँ और ज़्यादा आइटम्स ना मंगवाएँ, क्योंकि फ़ौरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको बाय करना इसलिए भी अच्छा है कि एक तो टाइम से यूज़ भी हो जाएंगी, रखने के लिए जगह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उनकी स्पेशली खाने वाली चीज़ों की शेल्फ लाइफ भी ख़त्म नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर अपने लिए मल्टीग्रेन आटा मंगवाया, बाकी घर के लिए आटा तो कंटेनर में रखती हूँ वो तो है, इस आटे के लिए कोई कंटेनर लेने के बजाय ये पुराना पॉट मैंने निकाला और इसको यूज़ कर लिया। अब इसको कहते क्या है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इसी को मैंने अपनी यूज़ के लिए इसको रख लिया।
और इसके अलावा जितने भी इसके साथ जो पॉली बैग्स आए थे या जो इसका क्लॉथ बैग आया था उसको मैंने संभाल कर रख लिया अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए। ये भी किसी जगह पर काम आ सकते हैं क्योंकि स्टोरेज की समटाइम्स चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, सब्ज़ियों की, फ्रूट्स की या कोई और घर की छोटी छोटी आइटम्स होती हैं जिनको स्टोर करने के लिए हमें ये वाले जो बैग्स होते हैं ये बहुत काम में आने ज़रूरी होते हैं और हमारे लिए बहुत एट अ टाइम हेल्पफुल भी होते हैं, तो इनको भी संभाल लिया। किचन के कैबिनेट्स हों या घर के बाकी डोर्स, उनकी वर्टिकल स्पेस को भी कमांड हुक्स या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स लगाकर घर की मैक्सिमम स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमेशा हमें चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती अपने कामों को एफिशिएंट बनाने के लिए। समटाइम घर से ही अवेलेबल चीज़ों को हम थोड़ा सा स्मार्टली अगर यूज़ करें तो ये हमारी कन्वीनियंस और हमारी फिजिबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे बिला वजह क्रॉकरी, स्पेशली मग्स की वैरायटी हम बड़े शौक से इकट्ठी करते हैं लेकिन फ्रेजाइल होने की वजह से इनको हैंडल करना भी एक काम है। जैसे मेरे पास ना एक ये था एक्स्ट्रा टिश्यू होल्डर, तो मैंने इसके अंदर इन कप्स को अरेंज कर दिया ताकि ना वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाए और हमारी स्पेस सेव भी हो जाए, पर इससे ना काउंटर टॉप की जगह ऑक्यूपाई होगी। तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी था, ये प्लास्टिक की रेक्टेंगुलर बास्केट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो इसके अंदर मैंने ये सारे कप्स अरेंज कर दिए। अब ये एक जगह पर फिक्स भी हो गए, इनको स्लाइड भी करना, ड्रैग करना इजी हो गया शेल्फ के ऊपर। अगर हम काउंटर टॉप पे भी रख देते हैं तब भी ठीक है, अगर हम ऊपर कैबिनेट में रख दें तब भी इनको हम खींच के तो निकाल सकते हैं कप, तो हमारी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसके अलावा इसी तरह से अगर चीज़ों के नीचे ना जो कटलरी वगैरह होती है, हमारे ब्रशेज़ होते हैं, हमारे स्पूनस होते हैं, उनके नीचे ट्रे अगर रख ली जाए ना इस तरह की कोई, तो इस तरह से चीज़ें ड्रैग करनी ईजी हो जाती हैं, एक एक करके नहीं पकड़नी पड़ती, सफाई भी उसको ड्रैग करके नीचे से साफ हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। सो ये थे वो गोल्डन रूल्स जिनको अगर हम फॉलो कर लेना तो हम अपनी होम मेकिंग को इजी और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव सजेशंस एंड क्वेरीज शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यस सब्सक्राइब वुमेनिया ATF एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू ऑल सून। अंटिल देन हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम वुमेनिया ATF। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।